दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल 2024 तक भलसवा लैंडफिल साइट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भलसवा लैंडफिल साइट में 80 लाख मीट्रिक टन कूड़ा, उसमें से 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा दो साल में हटा दिया गया और दिसंबर तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा और हटा देने का टारगेट लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालत में रोज 6000 मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा रहा है, जिसकी रफ्तार को बढ़ाकर दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही 12000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज हटाया जाएगा। और क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। होता नहीं है, बिकॉज ऑफ एकदम से पूरे शहर का कल्चर चेंज करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो कलेक्ट करते हैं वो भी सेग्रीगेट करते हैं, और अब जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं उसमें काफी हद तक काफी सारा कूड़ा उसमें सीधे भी जा सकता है। वो भी कूड़ा ही है। And there's already a case going against Okhla WTE versus Sukhdev Vihar people. वो अब ठीक हो गया है नहीं ज्ञानेश? So the case is still in Supreme Court. वाला जो है जो polluting था उन्होंने अब उन्होंने पहले था वहाँ पे उसका emission की problem थी। Sir, if we still go, we can still see fumes coming out. The case is still in Supreme Court pending. And Okhla Sukhdev Vihar people are still fighting for 11 years now. So what is the solution? Why are they still agitated? Yes, sir. Matter is subjudice, but they are still agitated. But as far as CPCB norms are concerned, as he says that we are complying with CPCB norms, but agar residents local agitated hai, main zara pata karta hu. Sir, abhi bhi kuda ka jo bahar hai uske upar log hain, unki bhi life ko khatra hai, unko ab tak roka nahi jata, uske liye bhi kya intezam kiye jayenge? Abhi bhi bachche bhi hai, log bhi samne dikhai de rahe hain. सर, इनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है इस पे, तो इनको कैसे हम कुछ और जॉब देंगे? मीटिंग भी है, उसमें भी डिटेल में चर्चा होगी। सर, मनीष जी के खिलाफ CBI ने एक बार फिर से उसको अलग से करेंगे यार। अभी कूड़े के ढेर को लेकर काफी परेशान है, अब लोग बड़े खुश हैं। हमारे लोकल MLA यहाँ मौजूद हैं, लोकल काउंसलर्स मौजूद हैं, सब लोग बता रहे थे कि बहुत खुश हैं लोग। वो देख रहे हैं कि बहुत जल्दी कूड़ा उनकी जिंदगी से चला जाएगा। ये कूड़े की लाइवलीहुड डिपेंडेंट है इस पे, तो उनको कुछ और जॉब देने का प्लान है? मुझे लगता है जो लोकल वो आएंगे डिस्पोज करने वाले, वहाँ पे उन लोगों को वो मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। But do we have any plan in place? Us timeline uska? I don't think there's any systematic plan. But let me figure out. Let me find out. And WTE uska calorific value bahut kam hai hamare waste ka. It is not suitable for WTE plants as per experts and as per multiple reports. Hum to bana rahe hain yaar 8100 tons kude mein se kafi waste to energy mein hi ja raha hai. यहाँ से कितना जाएगा WTEs में, या कितना नहीं यहाँ से नहीं, ये वाला लीगेसी वेस्ट WTE में नहीं जाएगा। Okay, वो WTE में फ्रेश वेस्ट जाया करेगा। फ्रेश वेस्ट अभी दिल्ली में जो 11000 मीट्रिक टन डेली बन रहा है, उसमें से 8100 जो है वो डिस्पोज, उसमें से रफली 7000 अभी भी वेस्ट एनर्जी में जा रहा है। बता दें कि नगर निगम चुनाव में कूड़े का पहाड़ एक बड़ा मुद्दा बना था और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी कूड़े के पहाड़ को हटाने का वादा किया। जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद से लगातार अलग अलग लैंडफिल साइट पर खुद मेयर शैली ओब्रॉय CM अरविंद केजरीवाल के साथ कूड़े के पहाड़ों पर जाकर उसका जायजा ले रही हैं। दिल्ली से नव द टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।